अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिया, राजीव, रिया, कौन है? रिया, 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 अरे ये अचानक काहे बेहोश हो गई? ये तो रिया है, रिया। अरे मानो, इसको यहाँ किसने आमंत्रित किया है? कि अचानक से बेहोश कैसे हो गए? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। कुछ रोज? आप लोग कमरे से बाहर जाइए प्लीज। रिया, राजीव, अभी आप उनका नाम लिए। रिया जी को कैसे जानते हैं आप? मिसेस चंदेल, प्लीज अंदर आइए, आपकी हेल्प की जरूरत है। ये क्या तमाशा है? ये होली के बीचों बीच ये रिया कैसे आ गई यहाँ? किसने इनवाइट किया इसको इस होली पार्टी में? इसके यहाँ होने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? तूफान। सिर्फ आने के लिए आई है या किसी मकसद से आई है? अरे जो भी हो, पर उसको यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम में से किसी को पलक भी नहीं लगी और होली के दिन चंदेल भवन में घुस गई है? कुछ महक सी आ रही तुमको? हम कमरा साफ किया था ना, तो कमरा साफ करने के बाद छिड़कते हैं ना ऐसे ऐसे से। रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ हाँ, वही फ्रेशनर, वही उसी का आ रहा है। ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? कुछ रोज से तो ठीक ही थी। रिया, राजीव, राजीव, अरे भाई रिया यहाँ कैसे और क्यों आई जानते हो तुम? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया उसको यहाँ? दादा, उसको बुलाने का मतलब समझते हैं आप? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? हम बुलाएंगे उसको। अरे जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है उसने, उसके बाद हम बुलाएंगे उसको यहां। उन्हें बुखार आ गया, अभी कुछ दिन रेस्ट की जरूरत है। मैंने दवाइयां और इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, चलिए। डॉक्टर, इस रिया को स्टोर में छुपा रखा था। आप जानते हैं? हमें नहीं, सब जानते हैं इसे। आइए डॉक्टर साहब। मुसीबत ही होगी, क्यों नहीं समझ रहे हो? बुआ जी, रिया जी मुसीबत नहीं है, वो मुसीबत में है, हम जानते हैं। तुम कैसे जानते हो? वो इसलिए बड़का बाबू के हम ही तो लेके आए थे ना उनको घर में।
क्या तुम उसे यहाँ लेके आई? हाँ हाँ चाचा जी, काई की वो बहुत मुसीबत में थी। तो ये सब तुम्हारी करतूत, काफी दिनों से इसको यहाँ पर छुपा के रखा है ना तुमने। अब समझ में आया हमारे, ये छुपने छुपाने के कारण तुम्हारे चेहरे की हवाइयां हमेशा उड़ी रहती थी, होश उड़े हुए थे, ध्यान कहीं और था, यही वजह थी ना। अरे तुमको मालूम भी है कि तुम किसको लेकर आई हो? नहीं, हम सच कह रहे हैं, हमको तो उनका नाम तक नहीं पता था। अरे छोड़ो वो सब बातें, बात ये नहीं दादा, वो लड़की इस घर में और नहीं रह सकती है, कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी वक्त यहाँ से बाहर करो इसको। बड़का बाबू ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? देखे ना कैसा हालत है, इस हालत में कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, ऐसे तो मत कीजिए ना। और देखे ना डॉक्टर साहब क्या बोले कि अभी उनको ना एकदम आराम का जरूरत है, तो ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा कहा है कि आप सब उनको देख के इतना परेशान हो गए हैं, मतलब कौन है वो, और ऐसा कौन सा मुसीबत लेके आई है कि बीमारी में भी दो दिन यहाँ नहीं रुक सकती। और राजी बाबू आप उनको देखते ही दौड़ गए थे संभालने के लिए, नाम भी लिए रिया, पहले से जानते हैं आप। पैसे रखो और इंतजार करो। पर सर वो मैडम जाना होगा, जाएंगी एयरपोर्ट जाना है, थोड़ी देर इंतजार करो। तो तुम जानते थे? तो तुम दोनों शामिल थे इसमें, घर में इतने दिनों से किसी को छुपा के रखा और हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। और तुम, अरे तुम तो जानते थे रिया के बारे में, उसके बावजूद? नहीं नहीं राजीव बाबू, इनको नहीं पता था, ये नहीं मिले रिया जी से, ये तो घर के बाहर थे, ये तो अंदर थे ही नहीं, ये तो अभी आए घर के। हम नहीं जानते थे कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, अगर जानते तो कभी नहीं करते। वहां अंदर ना हम कुछ बोल नहीं पाए, पर हैरानी होती है हमें को कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। इतने दिनों से एक व्यक्ति को घर के अंदर छुपा के रखा और हमें पता तक नहीं तुम। राजीव बाबू हमको बताने तो दीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं। अरे बात तो सुन लीजिए राजीव। हेलो इसको टैक्सी में, हेलो ड्राइवर इधर आओ, लेके जाओ इसे जहाँ छोड़ के आना था, जल्दी करो। लेकिन ये तो बेहोश है सर। अरे होश रास्ते में आ जाएगा, लेके जाओ। क्या कर रहे बड़का बाबू, ऐसा मत कीजिए ना। तुम चुप रहो, बाहर रहो इस मसले से, नहीं रहेगी चंदेल भवन में, चुप चुप। पर बड़का बाबू, अरे बोला ना चुप करो, पहले ही बिना बोले इतनी बड़ी मुसीबत को घर में ले आई। पर बोल रही है संजीव, चलो जल्दी लेके चलो, चलो बताओ। सुनिए चलो जल्दी, अरे क्या कर रहे हैं आप संजीव, एक बीमार बेहोश लड़की को देख क्या रहे हो, गेट खोल पड़ा। राजीव बाबू भले इन्होंने कितना में नुकसान किया आपका, इंसानियत तो है ना, आपने इतना कठोर और निष्ठुर कैसे हो गए आप, हाँ बीमार अब बेहोश को कैसे भेज सकते हैं, देखिए ना आप बेहोश है राजीव बाबू। राजीव रुक जाइए, लेके चलिए इसको अंदर। ये क्या कह रहे हो तुम, एक बार होश में आ जाएगी फिर देखते हैं। ये फैसला सही नहीं है ना, प्लीज बाबा होश में आ जाने दीजिए ना एक बार। और आप लोग प्लीज इसे अंदर लेकर चलिए। हाँ चलिए चलिए, बिछाना में लटा दिए हैं। लेकिन अभी भी बेहोशी है। हमको एक बात पूछनी है तुमसे, ये तुमको मिली कहां पे और इसको तुम घर पर कैसे लेकर आई? शिवरात्रि के दिन ना आप सब लोग भांग के नशे में सो गए थे, हम
बहुत कोशिश की आप सबको उठाने का, लेकिन कोई उठ ही नहीं रहते, तो हम अकेले चले गए। हमको एक फोन आया था। हेलो, अंजनी मिलना चाहती है तुमसे। जा रही है वो ये शहर छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए। पहाड़ी वाले उसी इलाके में आकर मिलो तुरंत। अंजनी दीदी, ये सब ढोंग है इसका, सब नाटक है। मक्कार है ये लड़की, मक्कार। ये सब कपट है इसका, इस घर में आने का, और कुछ नहीं। अब देखिए तू से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।